सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई एनएचपीसी को लेकर। एनएचपीसी में आप लोग देखोगे हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 5-6% के करीब जो स्टॉक है वो आज उछलते हुए नजर आ रहा है। अभी के टाइम ये तेजी बनी हुई है और आप लोग देखोगे भी स्टॉक ने एक फ्रेश बाउंड्री हाई भी बनाया, ठीक है, जो कि पहले 116 रुपये के आसपास का था ना, स्टॉक ने उसे ब्रेक किया। तो यहाँ पर तेजी के पीछे का रीजन क्या है भाई? पूरी मार्केट में धमाकेदार तेजी है, अकेला यही स्टॉक नहीं जो चला है, बहुत से स्टॉक है, खासतौर पर PSUs हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप के शेयर हैं, सभी शेयरों में जमकर रैली है, बिकॉज मार्केट में ही बड़ी तेजी है भाई। और ये मार्केट में तेजी आई है एग्जिट पोल जब आए थे, भी एग्जिट पोल को जरूर जानते, वो आप लोग देखोगे भी बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, 300-350 सीट्स के आसपास जो ना आप लोग देख, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। और ये सबसे बड़ी खबर आप लोग देख एग्जिट पोल के माध्यम से बता रहे हैं भाई, कल इसका जो ना खुलासा हो जाएगा कौन सी गवर्नमेंट बनेगी कौन सी नहीं, ठीक है। और आप लोग देख एग्जिट पोल के के सारे भी नहीं चल सकते भी कि भाई एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, हाँ कुछ हद तक देखो भाई होता है, लेकिन जो अंदाजा आ रहा है सीटों का अंदाजा आ रहा है, अगर उतनी सीटें मिलती है तो आप लोग देखो मार्केट अभी और जंप करेगा। और मार्केट के साथ साथ जो PSUs है, चाहे वो रेलवे PSUs हो, पावर PSU हो या फिर बैंक हो, उन सभी में तेजी बनेगी, ठीक है। तो इस स्टॉक में भी इसी वजह से तेजी बनी है, पूरी मार्केट में जो तेजी बनी है, एक तो हो गया भी ये जो एग्जिट पोल का अनुमान आया वो, दूसरा आप लोग देखोगे भी GDP के जो आंकड़े आए हैं जबरदस्त वो, और जो थर्ड है वो आप लोग देखोगे भी 110, ठीक है जी, 110 जो गोल्ड इंडिया के अंदर वापसी हुई है UK से, वो एक बड़ा कारण है मार्केट में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई। RBI ने बहुत बड़ा जो ना भी काम किया है और इन सभी के चलते पूरी मार्केट में रैली है। तो आगे कैसे क्या रहेंगे भाई इनके लेवल वगैरह, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में एक अच्छी खासी बैक जो क्या बोलते हैं गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो भी थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लिया जाएगा। तो इस तेजी को लेकर या फिर इस जो इसके अंदर जो रैली आई आज के दिन, इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए होंगे भी अब तो, या फिर अभी के टाइम अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर तो कल के लिए बेस्ट रहेगा 109 का सपोर्ट। जी हाँ, यहाँ पर 109 का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अहम जो ना भी रोल अदा कर सकता है, बिकॉज कल एग्जिट, आज तो आप लोग एग्जिट पोल के कारण असर है, कल जो रुझान आएंगे वो आप लोग देखो जेन्युइन होंगे और उसका जो इफेक्ट है वो पूरी मार्केट के ऊपर रहेगा भाई, ठीक है। अगर फेवर में जाते हैं गवर्नमेंट बीजेपी के तो आप लोग देखोगे नहीं डटने वाला, फिर तो ये मार्केट इसी प्रकार से रैली दिखाएगा। अगर आप लोग देखोगे भी इंडिया लाइंस के तरफ अगर होता है, इंडिया लाइंस की तरफ जाता है तो उससे आप लोग देखो मार्केट में गिरावट आएगी और वो गिरावट आप लोग देखोगे एक बड़ा मौका देके जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है, कुछ माहौल बनते हैं। अभी टाइम तो 109 रुपये का सपोर्ट आई थिंक सही है इस लेवल के ऊपर, आगे आपकी मर्जी भी किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप बनाते हो। एंड इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगे वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और खासतौर पर जो PSUs है उनकी एक लिस्ट बना लो और कल जैसे ही आते हैं भाई देखो ये रुझान वगैरह, उसके बाद नीचे के भाव में जो अभी एक छोटी बहुत जो एंट्री है विद स्टॉप लॉस वो आपको लेके चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।